वेलकम बैक टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विलेज की सैर कराने वाली हूँ और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे, क्योंकि मेरी आज की जो वीडियो है ना, ऐसी वीडियो आपने मेरे चैनल पे कभी नहीं देखी होगी। फ्रेंड्स, आज मैं मिट्टी के बर्तन की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किन किन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं और उससे खेले भी हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से नहीं मंगाया है, इसे मैंने नियर बाई स्टोर से ख़रीदा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, सबसे पहले जो खिलौने में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है चूल्हा, क्योंकि हम इसमें खाना बनाएंगे और खाना सबसे पहले चूल्हे में ही बनाते हैं। तो चलो मैं आपको चूल्हा दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये चूल्हा है। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है क्योंकि ये छोटा है। गाइस, ऐसे मुझे अपनी सारी जो भी मैंने खिलौने खरीदे हैं सब क्यूट लग रहे हैं। इसमें आप देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग दे रखा है। यहाँ से लकड़ी डालने का, यहाँ पे पूरा पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैं एक मिनी कुकिंग वाली वीडियो भी लाऊंगी। जैसा कि मैंने कहा था, मैं मिनी कुकिंग की वीडियो बनाऊंगी। तो अब चूल्हा आ गया, लेकिन खाना पकाने के लिए भी तो बर्तन चाहिए। तो ये है कढ़ाई, देख सकते हैं। ये भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से बनी हुई है ये भी। फ्रेंड्स, सब्जी तो हम कढ़ाई में बना ही लेंगे, लेकिन रोटी बनाने के लिए भी तो हमें तवा चाहिए होगा। तो ये है मेरे पास तवा। इसमें कुछ पकड़ने का नहीं है क्योंकि गांव में ऐसा ही रहता है। ये इसको ऐसे चूल्हे के ऊपर रख के बनाते हैं। आप मेरी मिनी कुकिंग वीडियो में देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, रोटी बेलने के लिए भी चकला बेलन चाहिए होता है। तो ये रहा चकला बेलन, देखिए कितना प्यारा है, जैसे एकदम रियल हो। देखिए कितना छोटा सा क्यूट है। तो ये भी हम रख देते हैं। फ्रेंड्स, रोटी बनाने के लिए आटा भी चाहिए होता है। तो ये है मेरे पास चक्की जिसमें हम गेहूं पीसेंगे। ये देखिए गाइस, ये कितनी अच्छी आवाज़ भी कर रहा है और ये दोनों एकदम अलग भी हो जाते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारी चक्की। फ्रेंड्स, अभी तक खाने की बात हुई, अब थोड़ा पानी की भी बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक मटका है, कि गाँव में फ्रिज तो होते नहीं हैं, तो लोग इसमें पानी भरते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। देखिए कितना प्यारा इसका आकार है, ये एक मटका। फ्रेंड्स, और मेरे पास और भी कई सारे मटके हैं, जैसे कि ये दूसरा, ये भी उसी की तरह, बस इसका आकार अलग है। और फ्रेंड्स, ये लास्ट मटका। तो मेरे पास ये तीन मटके हैं गाइस। फ्रेंड्स, और ये है, इसमें भी पानी भरते हैं। फ्रेंड्स, अब पानी के बाद ये आई बारी गिलास की। तो मेरे पास दो दो गिलास हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों। मैं इसे दो ही गिलास खरीदे। फ्रेंड्स, आप गांव जाते होंगे तो आप ये ओखली देखते ही होंगे, क्योंकि पहले गांव में कोई मिक्सर नहीं रहता था, ओखली ही रहती थी। तो ये दोनों अलग अलग हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं दोनों। फ्रेंड्स, खाना पकाने के लिए चम्मच भी चाहिए रहता है, कि हाथ से पकाएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो ये चम्मच है दो। और फ्रेंड्स, ये कुछ प्लेट है मेरे पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड। देखिए कितना अच्छे से इसका आकार दे रखे हैं। और ये मैंने चार प्लेट खरीदी थी। और फ्रेंड्स, प्लेट के साथ मैंने कटोरी भी ली है। मैंने कटोरी सिर्फ दो ही ली और प्लेट चार। फ्रेंड्स, ये कटोरी छोटी साइज़ की हैं और इससे बड़ी साइज़ की मैंने ये भी ली हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये खिलौना कैसा लगा, बर्तन। फ्रेंड्स, सब्जी रोटी के बाद बारी आ गई चावल की। तो चावल बनाने के लिए मेरे पास हांडी है। और मेरे पास छोटी साइज़ की भी हांडी है। ये मैंने तीन ले ली थी एक साथ, ये छोटी साइज़ की हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस अगर आपको मिनी कुकिंग की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए मिनी कुकिंग की वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।